गुलबर्गा सुपरमार्केट के स्ट्रीट वेंडर्स के दुकानों को कॉरपोरेशन कमिश्नर की जानिब से तोड़ा जाने के बाद कई गरीब स्ट्रीट वेंडर्स परेशान थे। जेडीएस गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम लगातार इनके हक के लिए आवाज़ उठाते आ रही है। नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम ने तमाम स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर आज कॉरपोरेशन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज कर गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनका हक दिलाने का मुतालबा किया है। नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम ने कहा, जनता दल सेकुलर के लीडर्स को स्ट्रीट वेंडर्स के हक में आवाज़ उठाता देख गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ एमएलए एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर डाल स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, कुछ दिन पहले गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर स्ट्रीट वेंडर्स को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया गया था और पुलिस कमिश्नर ने अल्टरनेट अरेंजमेंट करवाने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन उसके बाद अब तक सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के इशारों पर स्ट्रीट वेंडर्स के मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। सुपरमार्केट के स्ट्रीट वेंडर्स की परेशानी के पीछे गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ एमएलए का हाथ है। आज ये स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगार हैं और गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ एमएलए सियासत कर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कॉरपोरेशन कमिश्नर से डिमांड कर कहा, आज से ही स्ट्रीट वेंडर्स का कारोबार शुरू होना चाहिए, वरना नासिर हुसैन उस्ताद खुद जाकर सुपरमार्केट में स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें फिर से खड़ा करने का काम करेंगे, चाहे जो भी लीगल एक्शन होगा देखा जाएगा। सुपर मार्केट, चप्पल बाज़ार, कपड़ा बाज़ार के स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पे तकरीबन एक महीने पहले निकाला गया। उसके बाद मुसलसिल तमाम जिम्मेदारों के पास अटेंड किए, उसके बाद में हमारे पास आए थे, हमारे पार्टी की जानिब से हमने पुलिस कमिश्नर, सिटी पुलिस कमिश्नर रवि कुमार साहब से मुलाकात की। वहाँ पे एक दो घंटे की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे तय हुआ कि अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद से लेकर के अब तक गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मुलाकात करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए भी नहीं आए, और ये गरीब लोग, इनकी रोजी रोटी इनके ख़त्म करके ये लोग अपना सियासत कर रहे हैं। ये आवाम में आम है कि गुलबर्गा सिटी के जो सियासी कायदीन हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जेडीएस को क्रेडिट मिले, ये बड़ी गिरी हुई सोच है। मैं आपके ज़रिए से, सोशल मीडिया के तमाम लोगों से ज़रिए से हाथ जोड़ के, मैं कांग्रेस के लीडर से, कांग्रेस के जिम्मेदारों से मैं अपील करता हूँ, बीजेपी के लीडर से अपील करता हूँ, इसमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इश्यूज़ बचे हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिसपे हम लोग सियासी तौर पर बात कर सकते हैं। ये 200-300 लोगों के, गरीब लोगों के रोज़गार को, उनके पेट को मार के, उनके घर के बच्चों को भूखे सुला करके आप अगर घटिया सियासत करते हैं तो आखिरत में हमको सूरत दिखाना है। ये इस निचले दर्जे की सियासत आज पहली बार मुझे लगता है हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को एहसास हुआ है, ये तकलीफ होकर के गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए के खिलाफ और साउथ एमएलए के खिलाफ बात हुई है, चंदू पाटिल के खिलाफ भी बात हुई है। ये घटिया सियासत, इलेक्शन के लिए अभी 8-9 महीने हैं, जब कोई याद रखने वाला नहीं है। आज गरीबों के, बड़े बड़े अगर कोई करोड़पति रहता है उसके कारोबार को बंद करके हम सियासत करेंगे, गरीबों के रोज़गार को बंद करके सियासत करना, क्रेडिट लेना, ये निचले दर्जे की बात है। गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर हमारे को कोऑपरेट किया और कॉरपोरेशन कमिश्नर नहीं किया। अब यहाँ पर हमने मुतालबा किया और डायरेक्शन उनको किया है कि आज से ही कारोबार शुरू होना चाहिए, और वो कॉरपोरेशन कमिश्नर आज यहाँ पर आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। क्या डिसीजन होता है, डिसीजन कुछ नहीं, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी कब डिसीजन लेती है वो सेकेंडरी बात है। यहाँ पर अगर डिसीजन नहीं होता, 3 दिन के बाद मैं खुद आऊँगा और यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पे कारोबार शुरू करा के मैं जाऊँगा। क्या लीगल एक्शन होता है, जब लीगल फाइट जो है हमारे खिलाफ़ जेडीसी के खिलाफ करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लीगल। आज बेशक एक बड़ी अफसोस की बात है, शर्म वाली बात है कि गुलबर्गा एक वक्त ऐसा था जहाँ पर सबसे पहले गरीब मजलूमों को सुलझने एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी मदद करते थे। आज ऐसे हालात आया कि गरीब को धुतकारा जा रहा, गरीब के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आज ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि खैर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी है वो लोग तो गैर जिम्मेदार है, एक चापलूसी करने वाले लोग हैं, चापलूसी की ये हो गई, पर आवाम में तो इत्तेहाद पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस हो रहा मुझे कि आज जो हालात है ये स्ट्रीट वेंडर्स के, इस हालात के ऊपर आवाम को भी आगे बढ़ना है,
मार्केट के पूरे दुकान वालों को एक होकर बढ़ना है, क्योंकि आज स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर आफत आई तो कल आप लोगों के ऊपर भी आफत आती। मार्केट में अगर कोई एक स्ट्रीट वेंडर से कुछ खरीदने आया तो वो आपकी चप्पल भी खरीदेंगे, आपकी दुकान से कपड़ा भी खरीदेगा। ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आज इंसान का एतबार पूरा उसका ईमान है, नहीं कारोबार पे हो, अल्लाह पे एतबार नहीं है उनका, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है। अरे रिज़्क रोज़ी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह बोला कि सबको मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद में रहो तो तुम्हारी रिज़्क भी बढ़ेंगी, रोज़ी भी बढ़ेंगी, खुशहाली आएंगी। ये सब छोड़कर चाहे वो मार्केट के लोग हो, चाहे वो घर में बढ़ने वाले लोग हो, चाहे वो तानाशाही करने वाले लोग, चाहे वो फॉलोवर मेंटालिटी वाले लोग हो, सबका यही है कि भाई अल्लाह पे नहीं दुनिया पे भरोसा रखें। बहरहाल वक्त रहते सुधर जाओ, वक्त रहते एकता होने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आज हम मज़लूम के लिए ठहरेंगे तो मज़लूम हमारे लिए ठहरेंगे आगे। आपको ये जानना ज़रूरी है, देखिए कानून क्या बोलता है स्ट्रीट वेंडर्स का, स्ट्रीट वेंडर का कानून, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और टॉर्मेंटिंग कमेटी वाले करें, ये कानून के खिलाफ गए। ये बात किसी को नहीं मालूम, सब लोग ये बोल रहे कि बंडियाओं को हटाए, उन्हें ट्रैफिक जाम कर रहे। अरे ट्रैफिक जाम कर रहे, हम गाड़ी को पास करने वहाँ 5 मिनट लगते, मगर इनकी 12 घंटे की रोज़ी चले जा रही, आप लोग वो नहीं देख रहे? इनके बच्चे हैं, इनका घर है, इनको भी पैसे लगे हुए, इनको भी फीस भरना है, इनको भी हॉस्पिटल लगे हुए, संघ भरना है, फाइनेंस भरना है, कई सारी चीज़ें हैं। ये हम लोगों को सोचना ज़रूरी है और ये लोगों को सपोर्ट करना। कानून ये बोलता है कि भाई 30 दिन का नोटिस पीरियड देकर उनको हटाना है, पुलिस डिपार्टमेंट 30 दिन का नोटिस नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2013 में क्लियरली ऑर्डर आया है कि जो भी जब तक टाउन वेंडिंग जोन नहीं बनेगा वहाँ से स्ट्रीट वेंडर को रोड से हटाना नहीं है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नज़रअंदाज करें, उसका भी वॉलेशन करें, आर्टिकल जो स्ट्रीट वेंडर्स का आर्टिकल आया उसका भी वॉलेट करें, सो है ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। इसलिए मैं आवाम को बोलना चाह रहा हूँ कि ये बार हमको जोश से नहीं, होश से लड़ना है, हिकमत से लड़ना है, हिकमत से काम लेना है और कानून से लड़ना है। कानून के खिलाफ वो लोग गए, हम लोग नहीं गए। इसलिए जब हक की बात आती तो तमाम लोग एक हो जाइए, तभी हम लोग मिलकर रह सकते हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मुसलसल, ऐसा नहीं कि हम इमीडिएटली आ जाके कॉर्पोरेशन कमिश्नर को मिले। देखिए जब हमारी हम लोग हर चीज़ कानून के हिसाब से चलते, पेशेंस के हिसाब से, 2 दिन कंटिन्यू मुसलसल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ऑफिस में बैठे, वो भी 6-6 घंटे बैठे हम लोग। 6-6 घंटे बैठने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग रेस्पॉन्स, देर इज़ नो प्रॉपर रेस्पॉन्स। मजबूरन हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा। रोड पर उतर के जो प्रोटेस्ट है, आज कमिश्नर ये कहे कि विल कम फॉर द सर्वे, वो आएंगे इमिडिएटली सर्वे करेंगे और ये लोगों को उनकी जगह पे बिठाएंगे। कमिश्नर अगर आए तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा। देखिए फुटपाथ एक रोड से लेकर दूसरी रोड पे एंड होना, उसको फुटपाथ बोलते हैं। ये लोग बीओ ऑफिस के सामने, सिर्फ बीओ ऑफिस की बाउंड्री तक फुटपाथ डाले, तो हाउ कैन दे कंसिडर एज फुटपाथ, इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो ये कोने से ये कोने तक होना। तो बहरहाल कमिश्नर साहब को भी हम लोग एक मेमोरेंडम दे, जिसके अंदर पूरे कानून, जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो आर्टिकल 2014 का जो है, वे पूरे रेफरेंसेस दिए सो हैं। मैं उम्मीद रखता करता हूँ कि ये लोग पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स को, पढ़कर उसके हिसाब से करेंगे। खुदा ना करे आज के प्रोटेस्ट के बुनियाद पे भी अगर ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो 8 दिन का उसमें वक्त दिया गया हुआ, 8 दिन के बाद जगत सलकर पर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और लीगल कार्रवाई भी लेंगे ये लोगों के ऊपर इंशाल्लाह। आज सिटी कॉरपोरेशन को चप्पल बाज़ार मार्केट से स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की जो एसोसिएशन है हमारी, वहाँ से यहाँ कॉरपोरेशन ऑफिस तक जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की लीडरशिप में यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर अलीम पटेल साहब, हमारे कॉरपोरेटर कृष्णा रेड्डी और हमारे विशाल नवरंग और हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल के प्रेसिडेंट सिराज अब्दी, यहाँ पर पूरे लोग मौजूद थे। मैं आज 2 घंटे स्ट्राइक यहाँ पर इत्तेजाज होने के बाद कॉरपोरेशन कमिश्नर यहाँ पर आए तो उसके बाद ये तय पाया गया है कि अब यहाँ से कॉरपोरेशन कमिश्नर वहाँ पर जाएंगे, स्पॉट पे आएंगे, आकर देखकर जो भी फैसला, इससे पहले पुलिस कमिश्नर साहब ने डिपार्टमेंट को हिदायत दी थी कि नासिर उस्ताद जैसा कह रहे हैं वैसे जाकर करिए, उसी हिसाब से इंशाल्लाह ये लोगों का मसला हल होगा। और जो भी सियासी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ इसमें सियासत ना करें, ये किसी गरीब के पेट पे लात मारने का धंधा मत करिए, इससे आपको बदवा लगेगी, आप गरीबों की बदवा लगेगी। ये कोई दुबई नहीं है ना कोई सिंगापुर है, यहाँ डेवलपमेंट करने की जगह डेवलपमेंट करो। गरीबों के लात को पेट पे लात मारकर सिटी बनाने का डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं आप लोग, ये मत करिए। क्रेडिट लेने की कोशिश भी मत करिए। जो भी काम है आप नहीं करने के बावजूद ये लोग नासिर उस्ताद के पास आए और हमारे कॉर्पोरेटर्स के पास, हमारे लीडर्स के पास आए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज करने के बाद यहाँ पर एक रिज़ल्ट आया। अगर इसके बाद भी आप लोग घटिया सियासत कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के पुराने एक एक्स मेयर हैं जो धालकर धंधे करते हैं, लोगों को उंगली करते हैं, उनको कहना चाहता हूँ अगर गरीबों की बदवा लेना है तो आपको ये हलकर धंधे करिए,
इससे अगर इससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, और जो भी इसमें सियासत कर रहा है वो लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ मैं, अगर आज फिर भी सियासत इसमें करेंगे तो हम आप लोगों को आने वाले दिन में आपको छोड़ने वाले नहीं है, और पब्लिक में आपको लंगा करेंगे, आपका नाम भी बोलेंगे, और आप कितने फ़ोन कर ये रुका रहे हैं, गरीबों को करने नहीं दे रहे, पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेशर डाल के, हम वो भी आने वाले दिन में नामों के साथ शहर में, आप तो सबको मालूम होगा, मैं नाम भी उनका बताना चाहता हूँ आने दिनों में इंशाल्लाह। हम पिछले 3 महीनों से बहुत तकलीफ में थे, डेवलपमेंट के नाम पर हमको वहाँ से हटाया गया था, जहाँ जहाँ हम अपना व्यापार करते थे वहाँ से हटाया गया था। आज हम नासिर हुसैन साहब के शुक्रगुजार हैं, सिराज साहब के शुक्रगुजार हैं, एडवोकेट कलीम अहमद साहब के शुक्रगुजार हैं जो हमारा हल पूछे। पिछले तीन या चार महीने से हमको कोई पूछा नहीं। आज कुछ हुआ हमसे, एक तकरीबन 15 महीने से हमारे पीछे ये लोग हैं, अपना खुद का खर्चा कर रहे हैं, पानी का बोतल ले जाइए अपना, हमको कुछ एक पैसे का ये नहीं लगा ये लोग कि सिर्फ हमारे मदद के लिए हमारे पीछे आए थे ये तमाम लोग, तमाम लीडर्स। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, सिराज शाब्दी साहब का, उस्ताद साहब का, कलीम अहमद साहब का, ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम एक कमज़ोर का आवाज़ तो सुने। हमारी आवाज़ सुने इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला अगर कल या परसों ये सोचकर हमको बिठाएंगे तो ये चीज़ हम नहीं भूलेंगे, आगे चलकर भी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ हमारे दिल में रहेंगी कि ये लोग हमको सपोर्ट करें बगैर कोई इसका फ़ायदा उठाए। तो इसलिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दो बात को मैं